हेलो एवरीवन, दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। एक बार स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग चैनल में। तो गाइस, आजकल भाई असोध का महीना चल रहा है, तो हमारे यहाँ हो रहा है भाई तगड़ा वाला काम। तो इसी बीच भाई मेरे आज भाई मेरे दोस्त की शादी है, मतलब जब स्कूल पढ़ता था मैं तो उनकी शादी है आज, तो वहाँ पे आज मुझे जाना है, मुझे भी इन्वाइट किया गया है। तो शादी भाई घेस गाँव में है, हमारे गाँव में नहीं है। तो आज मैं जा रहा हूँ भाई उनकी मेहंदी रात में, तो आज रात भाई आपको मेहंदी रात के जश्न के मजे कराऊंगा। तो गाइस कैसे होती है हमारे यहाँ पे पहाड़ी शादी वो भी दिखाऊंगा, और वहाँ से कल भाई हम लोगों ने बराती बन के भी जाना है, मतलब दूसरे गांव में, मतलब बांग गांव में जाना है। तो वहाँ पे भी जाऊंगा क्योंकि मुझे वहाँ के लिए भी बराती के लिए इन्वाइट कर रखा है। तो अभी चलते हैं भाई सीधे मेहंदी रात में। चल चल ठीक है, मम्मी है, मैं शादी में जा रहा हूँ। ठीक है। तो गाइस पिछली बार क्या हुआ था ना, जब मैं यहाँ से शादी के लिए खड़गू भाई की शादी में गया था, तो उस समय पे मैंने नया नया ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था, तो वो वाला मोबाइल मेरा चोरी हो गया था। तो उस टाइम पे मम्मी बता रही है भाई मोबाइल में चोर के लाना इस बार करके, तो इस बार बोलते भाई नहीं चोरा के लाऊंगा। तो अभी चलते हैं भाई सीधे रोड में देखते हैं कैसे जाते हैं वहाँ से, अगर बाइक मिलती है तो बाइक से, नहीं तो फिर गाड़ी से चलेंगे। तो चलिए फिर। अब गाइस हम लोग मेहंदी रात में जाने के लिए तैयार हो गए हैं। आज बुबू जी हैं मेरे साथ, ये देख सकते हो दानू जी, और दानू जी मेरे साथ हमेशा रहते क्यों। तो भाई हम लोग अभी जा रहे हैं अभी शादी में, और बाइक स्टार्ट कर रहे हैं, और अभी हमको भाई 8 किलोमीटर ना कि मुझे 8 किलोमीटर जाना है, और रात को आजकल भाई जल्दी रात हो जा रही है यार, क्यों छोटे दिन हो गए। तो चलते हैं भाई सीधे। चलिए फिर गाइस हम चले घेस की तरफ, और अपने बाइक के माध्यम से और चलते हैं, क्यों मुझे तो जाना जरूरी है भाई, मित्र वर्ग की शादी है, तो मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा, क्यों, मेरा तो लंगोटिया यार है यार, वो साथ ही स्कूल पढ़े हैं। तो अब चलते हैं भाई सीधे, और पीछे से गाड़ी आ रही है, लाइट आ रही है पीछे से, तो जब भी चलते हैं मेहंदी रात में, और रात में आज भाई क्या क्या होता है मेहंदी में, किस प्रकार से नाचते हैं। आज तो भाई खाना पीना वगैरह कुछ दिखा नहीं पाऊंगा अपने ब्लॉग्स के माध्यम से, लेकिन क्या क्या होता है पहाड़ी की शादियों में, तो वो कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आप बन रहे शोभन दानू ब्लॉग्स के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए शोभन दानू ब्लॉग चैनल को। हम लोग धीरे धीरे करके पहाड़ी रास्तों में, रात का नज़ारा है, और हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं आगे को, और मेरे साथ आज गुलाब सिंह दानू जी बुबू जी हैं मेरे साथ, तो फुल इंजॉय ले रहे हैं हम लोग। और पीछे से भाई राजू चाचा की गाड़ी आ रही है हमारे गाँव वालों की, तो देख सकते हो गाइस ये घेस का नज़ारा है सामने जो दिख रहा है। अभी हम लोगों ने भाई इस जहाँ लाइट दिख रही है लास्ट वाली, वहाँ पे जाना है। गाइस पीछे से आ रही है हमारे ड्राइवर साहब राजू चाचा की गाड़ी, पीछे से आती हुई धीरे धीरे करके, तो हम लोग फुल इंजॉय ले रहे हैं यहाँ पे पहाड़ी रास्तों का, जिस प्रकार से बाइक वाइक में, तो मौसम भी साफ आज, और भाई चंद्रमा दिख रही है भाई, क्यों दिन में तो ये गर्मी लग गया था, और पीछे खचा खच भरी है ये वाली गाड़ी, छत पर भी है ये वाली गाड़ी, भी दिखा दो जरा कैमरा घुमा, छत पर दिखा दो, ये कैमरा नहीं आएगा ना रात को, रात की बात होगी नहीं तो आ जाता क्यों। और यहाँ पे भाई डेंजर जोन है आगे, तो यहाँ खतरा वाला इलाका है, तो हम लोग धीरे धीरे से चलते है, और सामने दिख रहा भाई लाइट, कोना वालों की लाइट दिख रही है, पंचानी वाली धार है, तो ये देखेगा कितनी बड़ी चट्टान है, कैसा डेंजर वाला इलाका भाई, चट्टान चट्टान सामने, और पीछे से लोडे वोडे हमारे हल्ला करते हुए, ये देखेगा इस, और यहाँ भाई रोड भी सरकार क्यों नहीं बना रही यार यहाँ पे, सरकार के पास बजट नहीं है, सरकार के पास या तो बजट नहीं है या तो सोचनी है ये सरकार, मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई यहाँ पे हमारी रोड खराब है, तो इसके बारे में भी सरकार को सोचनी चाहिए क्यों। ये देखिए गाइस कैसी चट्टान है, और रोड देखिए नीचे कैसी है, बहुत आई होप दिख रहा होगा आपको मेरे कैमरे के माध्यम से,
और एक कच्ची रोड है, चट्टान वाला इलाका देख सकते हो दोस्तों कैसा चट्टान है यहाँ पे। डर लग रहा सोभन सिंह, मुझे तो बहुत डर लगता है यहाँ पे, बाद में मुझे डर लग रहा। ये देखिए यहाँ पे चढ़ाई भी है डाउन भी है और बड़ी मुश्किल से यहाँ पे गाड़ियाँ निकालनी पड़ती है भाई। वो तो हमारे खिलाफ सिंह बूब जी मतलब एक्सपर्ट है बाइक चलाने के पहाड़ी रास्तों में, तो बाइक चला लेते हैं आराम से। और गड्ढे गड्ढे वाला इलाका देखे, बहुत डर लग गया ना भयंकर यार, मैंने पकड़ दिया दोनों को। बाप रे क्या रास्ता है यार ऐसा। So guys, मैं अभी मेहंदी में पहुंच चुका हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भाई किचन का खाना बनता है, और खाना बनाते हुए मैं आज दिखा नहीं पाया क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे, क्योंकि आजकल काम का टाइम चल रहा है तो इसके कारण लोग पहले ही खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पे इन देखो में भाई खाना बना रखा है, तो ये देख सकते हो आप, इसमें जैसे सब्जी बना रखी थी, किसी में चावल बना रखा था और किसी में दाल बना रखा था जो गर्म करने रखा है, और सामने भाई डांस चल रहा है पूरे मेहंदी रात में, तो इसका भी नजारा आपको दिखाता हूँ। और देख सकते हो गाइस किस प्रकार से हमारे पहाड़ में मेहंदी रात में लोग डांस करते हैं और किस प्रकार से लोग नाचते हैं, इसका एक क्लू सामने YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हमारे मामा जी हैं बलवंत सिंह मामा जी, सामाजिक कार्यकर्ता। I'm
I'm gonna go.
गाइस देख सकते हो यहाँ पे पहाड़ी डीजे दो दो मोबाइल बजे रहते हैं और देख सकते हो और यहाँ पे एक छोटा सा मिक्सर रहता है पहाड़ी शादियों में। A few moments later. और सामने डांस होते रहता है तो आप देख सकते हो और किस प्रकार से पहाड़ी डीजे को पहाड़ी शादियों में बजाया जाता है।